सादर वंदे दोस्तों, मैं आपका सुनील रुझाना, जिला संयोजक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जींद और छात्र संघ अध्यक्ष के एम राजकीय महाविद्यालय नरवाना। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब की बार फर्स्ट ईयर के एडमिशन के लिए बहुत ही कम समय मिला है और वह समय लगभग एक हफ्ते का है, 1 अगस्त से लेकर लगभग 8 अगस्त तक जो आपके आवेदन फार्म है वो लिए जाएंगे, चाहे वह हरियाणा का कोई भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट का कोई भी महाविद्यालय हो, उसके आवेदन के लिए सिर्फ आपको 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक का समय दिया गया है। तो आप उस अंतराल में ही अपना कॉलेज सिलेक्ट करके अपने फॉर्म भर दें और उसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण रहेंगी जो मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी अपनी खुद के रखें। क्या होता है कि जैसे कई बार शॉप वाले का खुद का दे देते हैं तो जो भी मैसेज आपके पास आता है वो डायरेक्ट शॉप वाले के पास चला जाता है, फिर आपका काम नहीं होता उससे। तो आप अपना ही मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी उसके ऊपर दें। और दूसरा ये रहेगा कि अपना जो आवेदन फार्म आप एक बार जांच लेकर कन्फर्म कर लें कि वो सही है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि बाद में एडिटिंग का ऑप्शन मिले या ना मिले। तो आप पहले से ही अपना फॉर्म अच्छे से भरें ताकि इसके अंदर कोई गलती ना हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वही रखें जो आपको पढ़ना है, क्योंकि बाद में किसी भी कॉलेज के अंदर इतना समय नहीं मिलता या कोई भी नोटिस DGHC की तरफ से जारी नहीं होता कि आप अपना सब्जेक्ट को बदल सकें। जो सब्जेक्ट आपने एडमिशन के टाइम पर भर दिया उसी के अंदर आपका दाखिला होगा और वही आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि बाद में आप बदल सकते हो। और एक ये रहेगा, बीए में मैथमेटिक्स का विषय जो विद्यार्थी चुने जिनके पास 12वीं में मैथमेटिक्स विषय रहा हो, जिनके पास 12वीं में मैथ हो वही मैथ चुने, जिसके पास मैथ ना हो वह मैथ सब्जेक्ट को ना चुने ग्रेजुएशन के अंदर। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 अगस्त से लेकर के 9 अगस्त तक की जाएगी। जो भी त्रुटि आपकी, जो भी गलतियाँ उसके अंदर होगी वो ऑनलाइन ही बताई जाएगी। तो आप अपना फॉर्म, जो अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा उसको लॉगिन करके चेक कर लें कि वह सही है, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा हुआ है। हो सकता है कि आपने सिर्फ फॉर्म 2 तारीख को भर दिया, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लग गया, त्रुटि हो गई, तो आपका लिस्ट के अंदर नाम नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ऐसा करें कि अच्छे से अपना फॉर्म भरें और उसको चेक करते रहें कि इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगा है। और आवेदन शुल्क ऐसा रहेगा कि गर्ल स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपये फीस रहेगी और जो SC स्टूडेंट्स हैं हरियाणा डोमिसाइल से उनकी भी 50 रुपये रहेगी और अदर स्टूडेंट्स हैं तो उनकी 100 रुपये फीस रहेगी। तो ऐसा फीस का शेड्यूल रहेगा। और एक बार मैं डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सभी पूछते रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो आप सब ध्यान से सुन लें और एक एक चीज़ करके नोट करके अपना एक एक डॉक्यूमेंट अपने साथ में लेकर के जाएं, जब आप फॉर्म भरवाएं तब भी और जब आपका लिस्ट में नाम आए तब भी। नंबर 1, फैमिली आईडी, क्योंकि फैमिली आईडी से आपका डॉक्यूमेंट जो सारा डेटा है वो उठता है। दूसरा, आधार कार्ड, 10th की DMC, प्लस टू की डीएमसी नहीं है तो आप अपना रिजल्ट अपलोड करें, आपको बाद में अल्टीमेटम मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से, जैसे कि 10 दिन 12 दिन कि आप इतने टाइम के अंदर जमा करवा दें। आपका डोमिसाइल हो गया, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट केवल SC और BC स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है, और गैप ईयर सर्टिफिकेट अगर आपका गैप है तो, और सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इनकम सर्टिफिकेट जो आपका 6 महीने से पुराना ना हो, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अगर फ्रेश में अभी आपने पास आउट किया तो आपको स्कूल से मिल जाएगा, यदि आपका गैप ईयर है तो आपका जैसे सरपंच या MC से वो कोई तरू बनता है वो उससे काम चल जाएगा आपका। और गैप ईयर सर्टिफिकेट आप कोर्ट वगैरह से कहीं से भी बनवा सकते हैं। एक अपनी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपना खुद का ही दें, मैं दोबारा से आपको बात रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपका मोबाइल नंबर हो और गैप ईयर का आपको कोर्ट से बनेगा, वो कोई भी बना करके आपको दे देगा। और एक तो ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर आप अपना दें ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आए, जो ऑब्जेक्शन लगे आपका लिस्ट में नाम हो तो आप तक पहुंच जाए। एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट और फोटोकॉपी आपकी बैंक की, IFSC कोड साथ में लगा होगा, उसकी फोटोकॉपी से काम चल जाएगा आपका, और आधार कार्ड से लिंक हो आपका बैंक अकाउंट।
और EWS को जिसने EWS में अप्लाई करना हो उसका EWS का हो, और NSS या NCC का सर्टिफिकेट आपके पास हो, ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे। और जैसा है कि आपको स्क्रीन के ऊपर शो है, अगर कुछ भी हेल्प की जिम्मेवारी आपको कुछ भी हेल्प आपको चाहिए एडमिशन के रिगार्डिंग, तो आप हमारे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्त, जय भारत।